हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रजत ने मुझे मना किया था ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, पर आदत बन चुकी है। तो शाम हो रही है, शाम क्या मतलब रात हो गई है ऑलमोस्ट, और आज का ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि मैं समोसे बनाने जा रही हूँ लाइफ में पहली बार। जी हाँ, मैंने पहले कभी समोसे नहीं बनाए हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि कभी समोसे बनाऊंगी। तो किचन से आज के ब्लॉग का प्रारंभ कर रही हूँ। वीकेंड ब्लॉग है, जैसा रेगुलरली हम लोग वीकेंड पर ब्लॉग करते हैं, तो समोसे से शुरू करेंगे हम आज का ब्लॉग। वो डिनर है, बाय द वे हमारा ऐसे ही होता है। हमारा पिछले ब्लॉग में अगर आपको याद हो तो हमने पानी पूरी लंच में खाया था, और आज हम समोसे खा रहे हैं डिनर में। तो बस देखते हैं समोसे कैसे बनाते हैं, और ये फ्लॉप शो होता है या किड शो। मसाला रेडी है, आटा भी लगा लिया है और तेल भी चढ़ चुका है। मैंने रजत को बोला था कि आटे के समोसे बनाते हैं, उसने कहा नहीं, स्वाद नहीं आएगा। तो फिर मैंने मैदा ही मल ली। मैं कितनी भी कोशिश करूं ना, एक लड़का मुझे हेल्दी रहने नहीं देना चाहता। समोसे इज लाइक माय फेवरेट थिंग इन दिस होल वाइड वर्ल्ड। ये है परफेक्ट सेमी सर्कल जो होना चाहिए। रुचि देख लो एक बार, देखो इसको हम ऐसे चिपका देंगे, देख रहे हो? मुझे पता नहीं है, मैंने कोई भी यूट्यूब की रेसिपी भी नहीं देखी है समोसे बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गड़बड़ हुआ ना तो सब रजत की वजह से। देखिए पक्का एकदम सुंदर कोन बना है हमारा। तो क्या कर रहे हैं आप, हमारे कोन की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? यारी क्या क्या बात कर रहे हैं, ये देखो। ये भरे गए इसमें मसाले का, आलू का मसाला। मुझे कह रहा है कुमकुम भरो, बट फट गया ना, बहुत मार गया मुझे। फटना मत तुम अच्छे बच्चों, ठीक है ना, निके निके बच्चों जैसे, गुड बच्चे जैसे बन के रहो, ठीक है ना। फोर बन गए हैं। ये रहे हमारे समोसे जो कढ़ाई में जा चुके हैं। देखिए सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। बहुत गर्मी है आज, और इसका परिणाम यह है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई साक्षी सारा सामान लेके जाए ड्राइंग रूम में। सो दिस इज आवर स्मॉल सेटअप। समोसे खा लो भैया, 10 रुपए का एक समोसा खा लो। अरे साक्षी जी, और कितना टाइम लगेगा? बस ऑलमोस्ट डन। हाँ 5 more minutes। ओके सब तैयार है। क्या बना रहे हैं सर? साके ये बच गया होगा ना मैदा, हम उसी का बना रहे हैं। डर डर के कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में तो फोन है और एक हाथ से पलट रही हूँ। अब रख देती हूँ ना, जल्दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छे लग रहे हैं। वाह भरी शक्ल तो देखिए इन समोसों की, कैसे बने। सच्ची में कितने मार्क्स? 11। बहुत गर्मी है पर मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि बहुत ही अच्छे बने हैं मेरे समोसे। मजा आ गया, एंजॉय कर रही हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। अंधेरा ही अंधेरा,
अरे आओ ना के थक गई है जिंदगी। हेलो साक्षी। हाय। व्हाट्स अप? संडे कैसा जा रहा है आपका? लेजी संडे जा रहा है। लेजी संडे जा रहा है। फ्रूट्स कट हो रहे हैं। भाई मेरे साथ तो क्या हो रहा है कि मुझे तो लिमिट्स ही नहीं पता लग रही है कि सैटरडे कब शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है और कब जाके मिल रहा है संडे में, और उसका मिलना होने वाला है मंडे से, मुझे तो पता ही नहीं लग पा रहा। आप ऐसे इस समय कर क्या रही हैं? फ्रूट्स काट रही हूँ मैं बहुत सारे। ओह वाओ, दैट्स समथिंग वेरी ब्राइट एंड हेल्दी लुकिंग। आई कैन सी यस्टरडेज लेफ्ट ओवर, सम फ्राइड लेफ्ट ओवर्स इन अ जार। या ओके, सी यू ऑन द अदर साइड। ओके बाय। चाओ। गाइस जो बहुत बोरिंग और लेजी संडे जा रहा था वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो एक अच्छी न्यूज है, आई एम पार्ट ऑफ बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम प्रोग्राम बाय इंस्टाग्राम, और अराउंड 350 या 400 लोग हैं उसमें। अभी एक जूम कॉल हुआ था उन लोग के साथ, एंड या दैट्स द बैच फॉर 2020 इज व्हाट दे टोल्ड, आई एम पार्ट ऑफ इट। तो प्रिटी एक्साइटेड अबाउट इट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंस्टाग्राम पे जो जिप्स आते हैं ना क्रिएटर्स के, उसमें मेरे भी चार जिप्स होंगे। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। वो आई थिंक एक महीने के अंदर बन जाएंगे, एंड देन यू नो आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट, एंड एनीबडी हु वांट्स टू यूज इट कैन स्टार्ट यूजिंग इट। वो भी मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ जब वो बन जाएंगे। काफी अच्छा सेशन था, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया है संडे को लेके मेरे अंदर। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ से ब्लॉग कर रहे हैं आज, तो हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। गाड़ी बहुत दिनों बाद निकाली है, तो जा रहे हैं फटाफट ग्रोसरीज लेने, एंड देन वी विल बी बैक होम। बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी, बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइन में खड़ी हूँ यार। मैं सोच रही हूँ वापस ही चली जाऊँ क्या, वहाँ भी लाइन होगी, सब जगह इतनी लाइन है। हम लोग वापस जा रहे हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग आएंगे, और आज संडे भी है इसलिए भी शायद ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। ग्रोसरीज कैन वेट बट सेफ्टी कैन नॉट। लौट के बुद्धू घर को आए, पर हम बुद्धू नहीं है, हम समझदार है। कोई पॉइंट नहीं था उतनी देर वेट करने का, हम खाली हाथ ही घर आ गए। दैट्स ओके। अभी सिर्फ शाम हुई है, तुम अभी से क्यों सो रहे हो रजत? इंसान कब सोता है? रात में। तुम समय बता रही है, मैं कारण पूछ रहा हूँ। जब वो थक जाता है, उसने दिन का सारा काम कर लिया होता है, जब नींद आती है तब सोता है। नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी से मत सो। हाँ वो भी सोफे पे। रजत अभी 7:30 हुआ है बस शाम का, तो अभी नहीं सोना है। क्या वैसे तो हमारे आजकल सारे ही डिनर्स काफी अमेजिंग हो रहे हैं, पर संडे है तो संडे डिनर स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल एंड हेल्दी। व्हाट से आज हम लोग बना रहे हैं साबुदाना खिचड़ी। में क्विकली ग्लिम्स में आपको बता दूंगी कि साबुदाना खिचड़ी कितनी सिंपल और यम्मी होती है। ओके, भून रही है हमारी प्याज अदरक और हरी मिर्च जीरे में, और यहाँ पे हम लोग ड्राई रोस्ट कर रहे हैं मूंगफली। बहुत अच्छी लगती है साबुदाना खिचड़ी में। बस साबुदाना डाल दिया और नमक डाल दिया। साबुदाना का बस ये है कि 1 घंटा पहले सोक करके रख लो आप। मेरे को वेट करना है इसके ट्रांसपेरेंट में टर्न होने का।
जब ट्रांसपेरेंट में टर्न हो जाएगा मतलब कुक हो गया। ओके रजत। ओके। इसका भी थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, विच मीन इट इज ऑलमोस्ट रेडी। यार इन सब क्विक रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लो, बता दूं मैं देर लगी। दिस इज लाइक योर 5 मिनट साबूदाना खिचड़ी रेसिपी जो मिला दी हमने अपने में कली खिचड़ी में। हमारे धनिया एक्सपर्ट जिन्हें हर सब्जी में खिचड़ी में धनिया और अदरक डालना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, सुंदर भी लगती है, देखो कितनी सुंदर लगने लगी। हाँ बहुत ही सुंदर लगने लगी हमारी खिचड़ी। और नाउ इट्स द लेमन टाइम। ब्यूटीफुल यार, ये मेरी नई डिस्कवरी है साबूदाना खिचड़ी, और हम दोनों को इतनी अच्छी लगी ये मुझे अब लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये हमारी स्टेपल होने वाली है। तो रेडी है हमारी मजेदार लिज़्ज़तदार। अच्छी बनी है? और बढ़िया। चलो भाई रजत ने पास कर दिया, मतलब अच्छी बनी होगी। गाइस तो हमारा लेजी बोरिंग सैटरडे बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है विद दिस साबूदाना खिचड़ी ऑफ कोर्स। तो बस हम साबूदाना खिचड़ी एंजॉय करते हैं और संडे यहीं पे खत्म हो रहा है। We hope that you all are staying home, staying safe and keeping sane because that's very important right now. And हम लोग के भी काफी ups and downs, lows and high days होते हैं. But Rajat Netflix चला देता है जब मैं वीडियो में बात कर रही होती हूँ. But it's okay. So you get my point right. Now please don't forget to subscribe to our channel. हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे. It will mean a lot if you will subscribe and please like this video if you enjoyed our weekend vlog and I'll see you in the next video. Bye!